आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं कि पिवट टेबल पे हम किस तरह से ग्रुपिंग, सॉर्टिंग एंड फिल्टर वगैरह की इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छी टॉपिक है, फिर इस पे हम एक प्रोजेक्ट भी आपके साथ करेंगे। तो मैंने कंप्यूटर स्क्रीन दे दिया है अपना और मैं एक डेटा पे आता हूँ। ये मेरे सामने आपके सामने डेटा दिख रहा है, मैं इसी डेटा पे पिवट लगाता हूँ। इंसर्ट पिवट टेबल, ओके। तो पिवट टेबल में अब यहां पे क्या कर रहा हूं कि मैंने नेम को रखा और मान लीजिए हमने अपनी क्वांटिटी को रखते हैं या अमाउंट या क्वांटिटी जो भी है हम यहां पे रख देते हैं। मुझे इसको शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने के लिए राइट क्लिक कीजिए और जस्ट शॉर्ट ए टू जेड एंड जेड टू ए यहां से कर सकते हैं, सिंपल। अब लेकिन इसमें अगर मल्टीपल फील्ड है, जैसे मैंने नेम के नीचे मंथ को रख दिया, आप जब शॉर्ट करेंगे तो ध्यान रखिएगा दो चीजें होगी। अगर आपने मंथ के आगे राइट क्लिक किया और शॉर्ट किया तो जो मंथ है वो मंथ शॉर्ट होगा, नेम जो है जो पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा। नेम के नीचे का जो मंथ है वो मंथ अपना शॉर्टिंग करेगा, ये जो मंथ है अपना मंथ अपना शॉर्टिंग कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर का जो है वो जैसा है उसी तरह का रहेगा। लेकिन अगर मैं नेम के ऊपर राइट क्लिक करके अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूं तो मेरा नेम शॉर्ट होगा, फिर नेम अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट करेगा। दो चीजें हैं, अब मैं वैल्यू पर राइट क्लिक करके शॉर्ट करता हूं तो वैल्यू के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा, अगर हम नेम पे राइट क्लिक करके शॉर्ट करेंगे तो नेम अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट करेगा। उसी तरह से अगर आपने मान लीजिए कॉलम में, मान लीजिए प्रोडक्ट को मैंने कॉलम में रख दिया तो हम कॉलम के बिहाफ से भी डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट रो वाइज भी होता है एंड कॉलम वाइज भी होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपने पिवट टेबल ऑप्शन या ऊपर जो कल की क्लास कि हम जो अलग अलग कर लेते हैं ना, यहाँ पे कि अलग कर लिया फिर मैंने इसकी टोटलिंग रखो या नहीं रखो दिक्कत नहीं है, अलग अलग कॉलम में अगर आपने कर लिया इसका लेआउट चेंज कर दिया तो राइट क्लिक करके हमने आपको बताया था कल कि हम इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। जब हमने मर्ज कर दिया तो उस केस में हम शॉर्ट वैल्यू वाइज कर सकते हैं, हम शॉर्ट अपना जो हमारा जो सेकेंड जो है उसको चाइल्ड बोलते हैं, चाइल्ड फिल्म, उसके अकॉर्डिंग हम शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि मर्ज पे कभी भी शॉर्ट नहीं होता है। जी हाँ, मर्ज के ऊपर कभी भी शॉर्ट नहीं होता है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर फील्ड आपके पास काफी ज्यादा फील्ड आ गए, कंफ्यूज हो रहे हैं किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा नहीं होगा, तो राइट क्लिक कीजिए, शॉर्ट पे जाइए, मोर ऑप्शन, मोर ऑप्शन में आपको क्या करना है, सेंडिंग या डिसेंडिंग, या डिसेंडिंग या सेंडिंग, और यहां से आप जो है अपना फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो ये बड़ी जो हमारा जो बहुत बड़ा डेटा होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो शॉर्टिंग समझ में आ गई आप लोगों को, शॉर्टिंग के बाद आता है मूव, हम डेटा को मूव करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए टीना है, तो मैं टीना को जो है सबसे ऊपर रखना है, दो तरीके हैं, एक तो आप इसको होल्ड कीजिए और उठा के ऊपर रख दीजिए, मतलब कि इसके जो कॉर्नर है ना, जैसे मान लीजिए टीना है ना आपका, ये जो साइड में दिख रहा है आपको, यहाँ पे कर्सर लिया उठाइए और जहाँ आप छोड़ दीजिएगा वहाँ पे वो चला जाएगा। okay. ठीक है, या फिर आप राइट क्लिक करके भी मूव कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, इस पे राइट क्लिक मूव, यहाँ पे मूव टू बिगनिंग आप, लेकिन मूव ध्यान रखिएगा आप ऐसा नहीं कि वैल्यू पे क्लिक करके कर दीजिएगा, वैल्यू पे मूव का ऑप्शन आएगा ही नहीं, मूव आएगा आपके फील्ड के ऊपर, मूव बिगनिंग आप
जहाँ करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। और सेम कॉलम वाइज भी एंड रो वाइज भी, मान लीजिए मैं प्रोडक्ट को या मंथ को उठाया कॉलम में रख दिया, तो आप यहाँ भी इसी तरीके से मूव कर सकते हैं, बिगिनिंग अप, नेक्स्ट अप या बिगिनिंग द रो, इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं। मूव के बाद आता है फिल्टर। फिल्टर देखिए, फिल्टर में क्या होता है कि एक फिल्टर तो आपका यहां है कि आप रो वाइज फिल्टर लगा सकते हैं, जिस पे क्लिक करेंगे उस पे होगा। इसमें वैल्यू फिल्टर है एंड लेवल फिल्टर है। वैल्यू फिल्टर क्लिक करते हैं तो जो वैल्यू है ना इसके ऊपर फिल्टर लगेगा, और लेवल फिल्टर करते हैं तो इसके ऊपर फिल्टर लगेगा। अपने कंडीशंस इसको क्लिक कर दीजिए, कंडीशन देना है। ऐसे यहाँ पे होता है ना इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, बिगेन विद, डज नॉट बिगेन विद, कंटेन, तो ये चीजें आपको दिख रही है, ये आपके लेवल पे वर्क करता है। और वैल्यू पे करते हैं तो वैल्यू पे, जैसे कि मैंने कर दिया टॉप 10, और टॉप 10 में मैंने यहाँ पे मात्र 3 कर दिया, टॉप 3 ओके किया, तो ये देखिए टॉप 3 हमारा यहाँ सिलेक्टेड है, फिल्टर्ड है। उसी तरीके से आपका एक कॉलम वाइज है तो कॉलम पे भी आपका सेम होता है। यहां भी आप लेवल फिल्टर करते हैं तो जो जो मंथ है इसके अकॉर्डिंग फिल्टर लगेगा, अगर आपने वैल्यू फिल्टर किया तो वैल्यू के अकॉर्डिंग फिल्टर लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू फिल्टर में आया और यहां भी मैं टॉप 3 कर देता हूं, देखिए टॉप 3 मंथ आपका फिल्टर हो गया। तो कॉलम फिल्टर एंड रो फिल्टर के बाद अगला आता है पेज फिल्टर। जैसे कि मैंने पूरा रिपोर्ट बनाया, लेकिन मुझे पूरा रिपोर्ट जो है अपने हिसाब से चाहिए, सेल्स मोड के अकॉर्डिंग, तो सेल्स मोड के ऊपर रखा और यहां पे रख दिया। मुझे देखना है कि ऑनलाइन में क्या सेल है, तो यहां आप अपना ऑनलाइन सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए, पूरा डेटा हमारा ऑनलाइन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, पूरा का पूरा डेटा हमारा ऑनलाइन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ओके, यहाँ पे रेफरेंस करेंगे तो रेफरेंस अकॉर्डिंग हो जाएगा, एक से ज्यादा भी डाल सकते हैं इसमें। जैसे मैं प्रोडक्ट को भी डाल दिया, तो ऑनलाइन में मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको अब पेज फिल्टर कहा जाता है। तो फिल्टर में कोई डाउट तो नहीं है, फिल्टर समझ में आ गया? यस सर। प्रशांत जी, पिवट टेबल में फिल्टर लगाना आ गया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप की। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पूजा और पूजा सिंह दोनों एक ही है, तो मैंने इनको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, ग्रुप। ग्रुप में जो करते ही यहां पे देखिए पूजा और पूजा सिंह इकट्ठा हो गया, और यहां पे नेम टू और नेम आ गया, तो नेम वाले को यहां से रिमूव कर देता हूं, नेम टू को रखता हूं। अब यहां पे ग्रुप वन है, इसको आप चेंज कर सकते हैं कि मैं यहां पे पूजा सिंह कर दूं। तो जिस दो या दो से ज्यादा को आपको कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके ग्रुप कर देना है। जैसे मैं इन तीनों को इनहाउस करना चाहता हूं, ग्रुप यहां पे हमने कर दिया इन हाउस। ओके, देखिए इसको बोलते हैं टैक्स ग्रुप। बात करते हैं नंबर ग्रुप की। अगर जैसे सेल है हमारे पे, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि आखिर इनके बीच में मतलब किस नंबर ऑफ क्वांटिटी या कितने सेल आते हैं। तो मैंने क्वांटिटी को उठाया और रख दिया रो में, एंड हमने एसआईडी को उठा के रख दिया फील्ड में, और इसकी सम के जगह पे हमने काउंट कर लिया। इससे पता चल रहा है कि 10 पीस का 116 ऑर्डर आया है, 11 पीस का 51 आया है, 12 पीस का 26 आया है। तो मैं यहां पे राइट क्लिक करूंगा और जाऊंगा ग्रुप पे, और यहां देखिए मिनिमम मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट आ जाता है, लेकिन आप मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं बाय, यहां पे 10, यहां भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके कीजिए, यहां देखिए 10 से 19, 20 से 29, ठीक है सर? यस, ओके।
इस तरह का ग्रुपिंग आप नंबर के ऊपर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें लास्ट डेट ग्रुप की। तो मैं यहां से क्वांटिटी को हटाता हूं, इसको हटाता हूं, मैंने डेट को लिया और डेट को रखा और यहां पे मैंने रख दिया मान लीजिए क्वांटिटी का टोटल। तो डेट रखते ही आप देख रहे हैं यहां पे जैन फैब का इस तरह से आ गया। तो इस तरह से ग्रुप होके चलाता है ऑटोमेटिक। तो आपको अपने हिसाब से ग्रुप करना है तो राइट क्लिक करके अनग्रुप कीजिए। अब मैं अपने हिसाब से यहाँ ग्रुप करता हूँ। ग्रुप मैंने ग्रुप किया मंथ वाइज, तो मंथ वाइज ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे एक ही मंथ है, प्लस मैंने का साइन भी नहीं। मुझे मंथ करना है, ग्रुप करना है मंथ और क्वार्टर वाइज। देखिए मंथ और क्वार्टर आ गया। मुझे मंथ और क्वार्टर और ईयर दोनों करना है, तीनों कर सकते हैं। आपको नहीं डेज वाइज ग्रुप करना है ग्रुप, इन तीनों को सिलेक्ट अनसेलेक्ट कीजिए और डेज को सिलेक्ट कीजिए। मुझे डेज में 15 दिन या 7-7 दिन का गैप चाहिए। ग्रुप डेज यहाँ पे 7 कर दिया एंड ओके, 7 दिन का ग्रुप आ गया। ऐसे डेज को ग्रुप कर सकते। सर डेट्स को अभी फर्स्ट फर्स्ट 2020 बताया ना, तो उसको हम दूसरे फॉर्मेट में भी कर सकते हैं ना। यहाँ पे डेट बताया ना, एक से लेकर यहाँ पे आप एक साथ इसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे कर इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 जन 2। हाँ राइट, मैनुअल लिख सकते हैं आप, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज नहीं कर सकते। ओके ओके ओके। प्रशांत जी इसकी फॉर्मेटिंग चेंज क्यों नहीं कर सकते? ये प्योर टेबल से डाटा में से आया ना, अगर डाटा में चेंज करेंगे तो इधर भी चेंज होगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं चेंज कर सकते? यहाँ पे नहीं होगा ना, टेक्स्ट है नंबर, डेट थोड़ी है, इसमें बीच में डैश लग गया ना। ओके तो टेक्स्ट हो गया ना। जैसे आपने अगर लिखा 1 जैन, मान लीजिए 1 जैन लिखा, इज अ डेट, आप इस पे कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आपने लिख दिया यहां पे 1 जैन डैश 10 जैन, इज नॉट अ डेट, टेक्स्ट इसलिए चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं सर नहीं। ओके तब आप बारी आती है एक प्रोजेक्ट की कि आप लोग एक प्रोजेक्ट करें। एक बायो अटेंडेंस नाम का फाइल है, मैं आपको भेज रहा हूं, दिखा रहा हूं। मेरे पास एक डेटा है जिसमें नेम है और यहां पे स्कैन डेट है। आप ऑफिस में जाते हैं तो क्या करते हैं? पंचिंग कर लेते हैं, पंच करते हैं, राइट। तो दरवाजा ओपन होता है, फिर बाहर निकलते से भी करते हैं। अब कई बार आप अंदर बाहर भी करते हैं ना, राइट राइट, बना लेने के लिए। तो यही डेटा है कि कविता ने एक पर्टिकुलर डेट में 5 बार एंट्री ली है, तो 5 बार स्कैन कार्ड पंच किया है, तो 5 बार डेट है। तो इस डेटा के बिहाफ पे आपको पिवट टेबल की मदद से अटेंडेंस बनाना है कि किस दिन वो प्रेजेंट है और किस दिन अब्सेंट है, वो भी पिवट टेबल की मदद से। ओके सर। तो पहला है। दूसरा, मेरे पास डेटा ये है कि मेरे पास सेम डेटा है बट इन आउट का है, अलग अलग है, मतलब कि उनके पास 2 मशीनों है, दोनों का अलग डेटा होता है, कब इन हुआ है कब आउट हुआ है। ये भी है कि बार बार इन आउट हुआ है तो बार बार एक ही डेट के 5 एंट्री होगी। तो आपको इसमें से निकालना है कि वो कब इन हुआ और कब आउट हुआ। टाइम मतलब सबसे पहला कार्ड कब पंच किया, मतलब कि उस टाइम पे इन हुआ, और सबसे लास्ट में कार्ड कब पंच किया, मतलब वो आउट हुआ। समझ गए? मैं ऑफिस गया सुबह 6 बजे, मैंने कार्ड को पंच किया, आज सुबह 6 बजे, उस बीच में कई बार कार्ड को अंदर बाहर आता जाता रहा, सबसे लास्ट में मैं रात को 10 बजे कार्ड को पंच किया, उसके बाद उस डेट में कार्ड की कोई पंचिंग नहीं है। इसका मतलब कि मैंने रात को 10 बजे ऑफिस से निकल गया। ठीक है सर? यस सर। ये आपको निकालना है, हम आपको दोनों मेल कर रहे हैं।
प्रशांत जी आपकी ईमेल आईडी क्या है? प्रशांत डॉट इट्स एच एन डी डॉट 27190 क्या बोला? 27 1970 एट द रेट जीमेल डॉट कॉम। श्रीनाथ जी आपका कौन सा है? मेरे सर श्रीनाथ 9.SHRI पहला वाला श्रीनाथ आप क्या करते हो? जी प्रशांत जी मैं अभी एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ।